नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। देश के साथ ही ग्वालियर शहर में दिनों दिन बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देशन पर स्थानीय प्रशासन भी उक्त वैश्विक महामारी से निपटने के लिए और लोगों को बीमारी के संक्रमण से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटा है। इसी के चलते मंगलवार की रात्रि भितरवार नायब तहसीलदार कमल सिंह कोहली द्वारा करेरा तिराहे पर भितरवार नगर परिषद के सहयोग से बगैर मास्क पहने निकल रहे दो पहिया और चार पहिया वाहन चालकों के खिलाफ रोको टोको अभियान चलाया गया। इस दौरान बगैर मास्क ही निकल रहे वाहन चालकों को रोककर उनके चालान काटे गए, उन्हें मास्क पहनाया गया। दिनों दिन ग्वालियर शहर ही नहीं भितरवार अंचल में भी कोरोना वैश्विक महामारी का संक्रमण फैलने लगा है, जिससे हर आमजन को बचाने के लिए नियमित रूप से रोको टोको अभियान चलाकर लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है। मंगलवार की रात्रि अत्यधिक वाहनों की आवाजाही होने के कारण नायब तहसीलदार कमल सिंह कोहली द्वारा जो अभियान चलाया गया था, इस दौरान 31 वाहन चालकों को रोका गया और उन्हें मास्क लगाने के लिए टोका भी गया है।